वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन पेशेंट्स के लिए है, जो पेशेंट छोटी मोटी कुछ उनको डाउट्स हो ट्रीटमेंट के बारे में, उसके लिए वो हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पे उनको एक्सपोजर होता है कोरोना वायरस से, रिस्क ज़्यादा है। ऐसे हम चाहते हैं कि वो घर में बैठ के ही अपने छोटे मोटे सवाल जो हैं उनका जवाब पा सकें, और अगर कहीं दवाई की उनको रूटीन दवाई की कुछ ज़रूरत है उसके बारे में भी बता सकें। तो हमने सब जो बड़े बड़े मेन डिपार्टमेंट्स हैं, या सबका ही सर्जरी मेडिसिन है, आई की डिजीज़ेज़ है, आँख की, कान नाक की कोई प्रॉब्लम हो, गाइनी के कोई डाउट्स हो, सबके टेलीफोन नंबर्स डिफरेंट डेज के प्रोवाइड किए हैं। जो डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे उन नंबर पे, वो उनके छोटे मोटे क्वेश्चन जो सवाल होंगे ट्रीटमेंट के बारे में, या वो अपनी कुछ और हेल्थ के बारे में पूछना चाहें, वो उनके घर बैठे ही क्लियर हो जाए। ओपीडी चल रही है मैम? हाँ, ओपीडी तो चल रही है जी अभी। मैम ऑपरेशंस वगैरह? रूटीन सर्जरी बंद है, बट इमरजेंसी सर्जरी सारी हो रही है, जिसमें सिजेरियन होते हैं, कोई इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर हो, हर डिपार्टमेंट के वो सब हो रहे हैं जी। मैम कोविड-19 भी चल रहा है, लोगों को क्या संदेश रहेगा? लोगों को तो सबसे बड़ा ये संदेश है कि वो घर बैठे बाहर नहीं आए, जितना देर घर में बैठ के अपना बचाव कर सके, मास्क पहने, लोगों से आसपास अपने नेबर से भी थोड़ा दूर रहें, हाथ फ्रीक्वेंटली धोएं, सैनिटाइजर हो ना हो वो तो यूज़ करें, तो इससे काफ़ी बचाव हो जाता है। और बस मेन तीन यही है, बट अगर उनको लगे कि कुछ उनको प्रॉब्लम है, सिम्टम्स हो, पहले डॉक्टर को कॉल करें, अगर वो उनके सिम्टम सुन के समझेगा कि उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, तो वो वैसा मशवरा देंगे तो हॉस्पिटल आ जाए। मैम ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी थी, प्लांट न्यू प्लांट भी लग रहा है, कब तक शुरू हो सकता? वो बस 7 दिन, 6-7 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगा। अभी हम सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, दो हमारी डेली यूजेज काफ़ी हाई जा रही है, वो 180 से 200 के बीच में 24 घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, बट लोकली अभी तक हमको के गैस कंपनी का सपोर्ट है, वो भर के दे रहे हैं। तो 7-8 दिन में जब हमारा अपना प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें जो वो सिलेंडर बनाने का थोड़ा स्ट्रेस रहता है वो भी कम होएगा, और हम अपने कोविड के बेड्स का नंबर इनक्रीज़ भी कर सकते हैं जी।